हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फ्रेंड्स हर्ष आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आ गए ना फिर से एक और नई मेडिसिन का चमत्कार देखने। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल में देखा है, मैं आज आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी, इसके स्पेक्स, इसके साइड इफेक्ट्स, इसके फैक्ट्स, इसके प्रिकॉशंस और इसके MRP जैसी सब जानकारी आपको दूंगा। और अपनी इस वीडियो का हीरो, जी हाँ दोस्तों, मेरी इस वीडियो का हीरो द होलसेल प्राइस। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मेडिसिन के बारे में इसका होलसेल प्राइस जानने को भी मेरी वीडियो में मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसका होलसेल प्राइस और इसके बारे में सब कुछ, तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें। जी हाँ दोस्तों, पूरी वीडियो देखते रहें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के बराबर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही देखा था, आज हम जानेंगे रेविटाल एच वुमेन के बारे में। जी हाँ, आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी रेविटाल एच वुमेन के बारे में। इसमें दो तरीके की मेनली आती हैं, जिसको मेनली मार्केट में दो तरीके की चलती हैं, जो है रेविटाल एच मैन, यानी रेगुलर भी कह सकते हैं आप, और एक आती है रेविटाल एच वुमेन। तो आज हम रेविटाल एच वुमेन का रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली जैसा कि हम इसके नाम से ही जान गए हैं, ये रेविटाल एच जो है, ये जो मेडिसिन है, ये वुमेन के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये मेडिसिन वुमेन के लिए है, इसको मैन ना लें, यानी आदमी ना लें, ये सिर्फ औरतों के लिए बनी है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस दवाई को कौन सी कंपनी मार्केट करती है। तो फ्रेंड्स, इसको जो मार्केट करती है वो है सन फार्मा। जी हाँ दोस्तों, सन फार्मा वो कंपनी है जो इसे मार्केट करती है। अब फ्रेंड्स आगे इसकी पैकेजिंग, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसकी पैकेजिंग में ये पर्पल कलर की एक पैकेजिंग है, जो कि प्लास्टिक की डिब्बी पे पर्पल कलर की लेमिनेशन कर दी गई है, वो भी पर्पल कलर का इसका कैप है। तो फ्रेंड्स, इसकी पैकेजिंग जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ही है, ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक मीडियम क्वालिटी का इसका ये डिब्बी है। तो फ्रेंड्स, इसकी डिब्बी एक मीडियम क्वालिटी की है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसकी MRP की। तो फ्रेंड्स, इसकी MRP आपको मिलती है डाउनवर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, ये नीचे आपको इसकी MRP मिलती है। इसकी MRP है 330 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 330 रुपये इसकी MRP आती है। बाकी फ्रेंड्स, जैसा कि हमें इसके पैकेजिंग में आपको साफ हो रहा है, जो रेविटाल एच है, ये एक सप्लीमेंट है जो कि वुमेन्स के लिए है। जी हाँ दोस्तों, रेविटाल एच एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि औरतों के लिए स्पेशली बनाया गया है, उनकी सभी परेशानियों को, उनकी सभी दिक्कतों को ध्यान रखते हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो हमारी वुमेन्स हैं, हमारी माँ और बहनें और हमारी दादी, ऐसे सभी जो हम औरतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। तो ये मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो हमारा ख्याल रखते रखते अपना ख्याल भूल जाती हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनका ख्याल रखें, जिसके लिए आपको ये उन्हें देनी होगी। अब फ्रेंड्स, इसमें आप जैसा कि देख ही रहे हैं, इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है, कई तरीके के विटामिन भी इसमें हैं, मिनरल्स भी हैं और जिंसेंग भी है। अब फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है डिटेल में। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, ये आपको पीछे पूरा चार्ट मिल जाता है। इस चार्ट को मैं मैग्नीफाई करके आपके स्क्रीन पर भी ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, B3 है, B6 है, B12 है, विटामिन सी है, D2 है, ई है, K1 है, फॉलिक एसिड है और बायोटिन है। जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन हैं कई तरीके के जो आपको इसमें मिल जाते हैं। बात करते हैं मिनरल्स की, तो कई तरीके मिनरल्स भी इसमें मिल जाते हैं आपको, जैसे कि जिंक, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्रोमियम और सेलियम। ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि आम डाइट में नहीं मिल पाते हैं। इनको लेके वो अपने शरीर में जो विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो रही है वो पूरी कर सकती हैं। इससे एनर्जी कितनी मिलती है, ये भी इसमें लिख रहा है, एनर्जी मिलती है 0.5 किलो कैलोरी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट 0.12 ग्राम, प्रोटीन 0.004 ग्राम और फैट इसमें 0.001 ग्राम, यानी बहुत नेग्लिजिबल फैट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक
मल्टी विटामिन या फिर हम कह सकते हैं सप्लीमेंट है जो कि वुमेंस के लिए है। इस पर फेसाई से भी एफिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, फेसाई लाइसेंस जो होता है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ फेसाई के ऊपर। ये वो लाइसेंस होता है जो कि खाने की चीज़ों को, फूड प्रोडक्ट्स को आपको लाइसेंस देता है कि आपका फूड प्रोडक्ट यानी आपका प्रोडक्ट सही है और उसमें कोई भी कमी नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताया था फसाई के बारे में, अब मैं आपको इसमें एक और चीज़, स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। जी हाँ, ये ग्रीन टिप, ये ग्रीन मार्क जो है, ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा हुआ है एक स्क्वायर के बीच में। जी हाँ दोस्तों, एक ग्रीन कलर का जो स्क्वायर है इसके बीच में ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, इसका क्या इंडिकेशन है मोस्टली सब जानते हैं, लेकिन मैं तब भी एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, इसका मतलब है वेजिटेरियन। जी हाँ दोस्तों, ये वेजिटेरियन सप्लीमेंट टेबलेट हैं, और जो इसकी मेंस आती है उसमें रेड डॉट होता है। रेड डॉट का मतलब क्या होता है? नॉन वेज। जी हाँ दोस्तों, जो रेविटल एच मेंस के लिए आती है उसमें नॉन वेज सप्लीमेंट है। ये स्पेशली वुमेन के लिए निकाली गई है। तो आप जैसा कि जानते हैं, ज़्यादातर जितनी भी वुमेन होती हैं हमारे भारत देश में स्पेशली, वो सब वेजिटेरियन होती हैं। जी हाँ दोस्तों, वो नॉन वेज को बिल्कुल अवॉइड करती हैं और उसको लेना नहीं चाहती, ताकि वो कतराएं नहीं इसको लेने के लिए। इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इस कंपनी वालों ने इसको वेजिटेरियन निकाला है। जी हाँ दोस्तों, इसको वेजिटेरियन निकाला गया है ताकि वुमेन ईजिली ले सकें, कोई भी उन्हें परेशानी ना हो। जी हाँ दोस्तों, बात आती है डोज़ की, इसकी डोज़ कैसे लें। तो इसकी डोज़ हमारी जो जनरली प्रिस्क्राइब की जाती है, वो कहती है 1 tablet per day। जी हाँ दोस्तों, सुबह मील के बाद यानी ब्रेकफास्ट के बाद आप इसकी 1 tablet ले सकते हैं। मेंस नहीं, वुमेंस। जी हाँ, औरतों के लिए है ये। तो आप इसकी 1 tablet दिन में ले सकते हैं खाना खाने के बाद। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 tablet लीजिएगा, या तो रात को लीजिएगा दूध के साथ तो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर रात को आप दूध के साथ लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो इसका, लेकिन इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, ताकि डॉक्टर आपको उसकी सही डोज आपके अनुसार बता सके। ये जो है, ये एक कॉमन डोज है, सबको ध्यान रखते हुए कही गई है, लेकिन आप एक बार, ताकि डॉक्टर आपको इसकी सही डोज बता सके। बाकी फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ अंदर कैसे निकलती हैं। ये मेरी ओपनड है, यहाँ पे सील आती है। जैसा कि मैं आपके लिए जो रिव्यूज़ लाता हूँ सब यूज़ लाता हूँ, ताकि यूज़ करके पूरा फाइनल आंसर निकाल सकें, कोई भी ऐसा फर्जी चीज़ नहीं लाता हूँ, इसलिए यूज़ है। इसको यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू ला रहा हूँ, यूज़ करवाया है मैंने इसको, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट देखने के बाद इसको लेके आया। अब दिखा देते हैं, ये ऐसे कैप खुल जाता है। ये कैप खुलने का, इसमें ये टैबलेट निकलती है, टैबलेट दिखा देते हैं। ये देखिए, पिंक कलर की टैबलेट है, स्पेशली इसका रंग भी पिंक रखा गया है ताकि लेडीज़ को पसंद आए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी इसके पीछे आइडिया हो उनका, लेकिन इन पिंक कलर की ये टैबलेट इसमें अंदर निकलती है। इतनी बड़ी टैबलेट है, इसको रात को दूध के साथ लेते हैं आप तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और इसको फ्रेंड्स अंदर रख देता हूँ मैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सील टूटी, यहाँ पे एक सील भी आती है। इसको एक कैप को ऐसे क्लोज कर देंगे, सिंपली तो क्लोज हो जाएगा, इसको कैप को हमेशा क्लोज रखना। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसको कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही, हर दवाई को डायरेक्ट सनलाइट से अवे रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, ताकि इसको कोई फर्क नहीं आए। और फ्रेंड्स ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, पानी से दूर, लाइट से, डायरेक्ट सनलाइट से दूर, बस इतना ही है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसका साइड इफेक्ट्स ये है, अगर आप इसे जरूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो कुछ परेशानी क्रिएट कर सकती है, जैसे कि डिजीनेस, ओवर एक्साइटमेंट, या फिर ऐसा हेडेक। ऐसा कुछ खास इसमें साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसे कभी भी ओवरडोज ना करें। अगर आपकी डोज निकल गई है और दूसरी डोज करीब है तो उसको ना लें, ओवरडोज इसको कभी भी ना करें। बाकी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, इसका सबसे बड़ा ये है बात है कि इसको 3 महीने तक लगातार ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं। इसको सिर्फ आप 3 महीने तक लगातार लीजिए, उसके बाद एक प्रॉपर 1 महीने का या 2 महीने का गैप रखिए। अगर आपको परेशानी जारी लगती है कि आगे भी आपको लग रही है, तब इसको लीजिए, वरना इसको 3 महीने से ज़्यादा ना लें। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके होलसेल प्राइस की। जी हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो का हीरो जो कि है होलसेल प्राइस, तो होलसेल प्राइस कर लेते हैं। तो ये 330 इस पर MRP है, और होलसेल प्राइस में इसको आपको 220 में ये इजीली मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 220 रुपये में इसको आप इजीली होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं, और आगे आप देख सकते हैं आपका जहाँ भी जैसा भी हिसाब बैठता है। बाकी फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, इसकी पैकेजिंग बता दी। अगर आपको ख़रीदना चाहते हैं, आपको आसपास नहीं मिल रही है किसी भी रिटेल स्टोर पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से खरीद सकते हैं, ताकि ईजिली आप इसको बाय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले मैं आपको फिर से यही बात कहूँगा कि अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। डॉक्टर सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा एजुकेशनल पर्पस है, ऐसा कुछ खास नहीं। हमने आपको इसके पूरा रिव्यू दे दिया है, बाकी इसको यूज़ करना हो तो डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको वीडियो? आई होप सो
आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और फ्रेंड्स मुझे कमेंट बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस टॉपिक पर सबसे ज्यादा कमेंट या लाइक आए होंगे उसी टॉपिक पर मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा। जब तक के दोस्तों, आपसे यही कहूंगा, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाकी फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, जय हिंद, जय।